विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की पहली लिस्ट जारी। भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह उल्लास। सांसद भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से बीजेपी के दावेदार। सांसद आवास पर दिखा जश्न का माहौल। बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों, प्रशंसकों ने जताई खुशी। सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा प्रदेश व केंद्र के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर जताया विश्वास, पार्टी के भरोसे पर उतरूंगा खरा। किशनगढ़ से भाजपा उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने कहा राजस्थान में बनेगी डबल इंजन की सरकार। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगी भाजपा की भारी मतों से जीत। चौधरी के समर्थकों प्रशंसकों ने माला साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर भागीरथ चौधरी को दी बधाई शुभकामनाएं। मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जैन, सभापति दिनेश सिंह राठौड़, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष हरिराम बाना, भाजपा नेता विमल बड़जात्या, सुनील दर्डा सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागीरथ चौधरी के आवास के बाहर फटाके फोड़कर ढोल नगाड़ों से जश्न का दिखा माहौल। हमारे सुनो, मैं कह सकता हूँ इस किशन नगर परिषद में सबसे मजबूत, दमदार और जो भी काम जाए उसके लिए काम करने वाले ऐसे मजबूत हमारी सभापति जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब पहली जो भाजपा की लिस्ट है उसमें किशनगढ़ जो आप सांसद भी है और विधायक। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व केंद्र और राज्य शीर्ष नेतृत्व में आभारी हूँ जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना भरोसा किया है और मुझे पांच ही वार्ड टिकट दिया है। पहले तीन दफे, आज के पहले तीन दफे मुझे विधायक का टिकट दिया, एक सांसद का टिकट दिया, दो दफे विधायक रहा, एक दफे सांसद रहा और फिर पांचवी दफे आज मुझे और विधायक का टिकट दिया है मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता। जो पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया है मैं खड़ा उतरूंगा, कभी पार्टी के दामन पे दाग नहीं लगने दूंगा। और छत्तीसों कौम, देखिए मैं एक भाग्यशाली हूँ जो मुझे छत्तीसों कौम मुझे आशीर्वाद देती है और इसी की वजह से है कि मैं दो दफे विधायक बना, पहले एक दफे सांसद बना, फिर मुझे अभी पांचवी बार और विधानसभा का मुझे ये जिम्मेदारी देके मुझे जनता से आशीर्वाद लेने के लिए मुझे भेजा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि छत्तीस हुकूमतों का मेरे पर आशीर्वाद है, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ कि मोदी जी का जो एक विजन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी मूल मंत्र के आधार पर मैं भी छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ परंतु उनके बताए चिन्हों पर चलकर ही मैं जनता के बीच में रहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है, विश्वास नहीं पूर्ण भरोसा है और ईश्वरीय कृपा है कि यहाँ जो राजस्थान में मैं तो किसान विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ की जनता जिताएगी और पूरे राजस्थान में 2/3 मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी बहुमत आकर यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और फिर 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। मैं तो ये कहता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व सभी का मैं आभारी हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना भरोसा किया है और मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विजन यही है सबका साथ सबका विकास,